आज के वीडियो में हम लोग नॉन वर्बल रीजनिंग का बात करते हैं, ठीक है। रीजनिंग दो तरह का होता है, एक वर्बल दूसरा नॉन वर्बल। तो नवोदय क्लास या नेत्र इसमें नॉन वर्बल से क्वेश्चन ज़्यादातर पूछा जाता है 10 तरीका से। तो उसी में पहला टाइप हम लोग बात करेंगे वर्गीकरण, ठीक है। अब वर्गीकरण के बात करना है, उसी वर्गीकरण को ही ऑड मैन आउट यहाँ पे कह दिया है कि समूह से भिन्न या विजातीय आकृति को ढूंढना। तो वर्गीकरण में इसका परिभाषा के रूप में ये मानना रहता है कि वैसा विजातीय जो रहता है ना सभी में, उसको ढूंढना रहता है। एग्जांपल के लिए देखो, ये सब फल के श्रेणी में आता है, ये सब्जी बनाने की श्रेणी में आता है, लेकिन ये फूल के श्रेणी में आता है, तो अलग कैटेगरी है, तो ऑड मैन आउट करना रहता है, छटना रहता है। इसी को हम लोग क्लासिफिकेशन भी कहते हैं, वर्गीकरण भी कहते हैं, ठीक है। तो ऐसे प्रश्नों में एक साथ तीन या चार आकृतियाँ दी जाती है, इनमें एक आकृतियाँ भिन्न रहती है, जबकि अन्य आकृतियाँ किसी न किसी प्रकार एक जैसी जाति की रहती है। भिन्न आकृतियाँ ही विजातीय होते हैं, ऑड मैन आउट है। ऐसे प्रश्नों के कुछ उदाहरण नीचे दिए गए हैं। तो इसमें तीन या चार आकृति दी जाता है, अगर तीन गो आकृति दिया रहेगा तो एगो भिन्न, चार आकृतियाँ, कभी कभी तो पाँचों आकृति दे लेता है, पाँच गो ऑप्शन रहेगा, तो पाँच गो ऑप्शन रहेगा तो चार गो एक जाति के कैटेगरी के रहेगा या एक वर्ग के रहेगा, गुण के अनुसार, लक्षण के अनुसार, किसी भी तरह से, रूप के, रंग के, लिंग के, किसी भी आधार से, किसी न किसी प्रकार से एक कैटेगरी में रहेगा। और वो सबसे जो एक भिन्न रहेगा ना, उसी को छाटना रहता है, ठीक है। देखिए निर्देश कुछ इस तरीका से दिया गया है कि निम्नलिखित आकृतियों, थोड़ा सा क्वालिटी कम करते हैं, 20% ठीक रहेगा। चलिए देखिए, निम्नांकित, ठीक है था 25। चलिए निम्नांकित प्रश्नों में चार आकृतियां, एक दो तीन चार दी गई है। इन चार आकृतियों में तीन आकृतियां कुछ हद तक सदृश है तथा एक अलग है। अलग आकृतियों को चुनकर संलग्न उत्तर पुस्तिका में हर प्रश्न के आगे दिए गए बॉक्स में अंग्रेजी संख्या में उत्तर लिखें। देखिए, जब भी नवोदय में क्वेश्चन आपको दिया रहेगा या कोई भी कंपटीशन में, तो उसके ऊपर एक निर्देश दिया रहता है कि आखिर इसको करना क्या है। तो कभी कभी एक नया प्रकार के आपसे रीजनिंग पूछ देगा, तो घबराइएगा नहीं उसको देखकर, आप उसका निर्देश पढ़िएगा और क्या इसको करना रहता है निर्देश में लिखा रहता है। जैसे इसको कैसे बनाना है, देखिए कह रहा है कि निम्नलिखित जो प्रश्न आप देख रहे हैं उसमें चार गो आकृति, एगो दो गो तीन गो तथा चार गो, तो देखिए एगो दो गो तीन गो चार गो आकृति दे कि ना दे। इन चार आकृतियों में से तीन आकृति कुछ हद तक सदृश है, इन चारों गो में से कुछ हद तक जो है किसी भी गुण लक्षण कुछ भी के आधार पर हो सकता है एक जैसा, तथा एक अलग है और उस सब में से कोई एक कैटेगरी से अलग है। अलग आकृतियों को चुनकर संलग्न उत्तर पुस्तिका में हर प्रश्न के दिए गए बॉक्स में, मान लीजिए एक नंबर के क्वेश्चन है तो एक नंबर में तीन भरना है, आजकल तो रंगे वाला है तो रंग दीजिएगा, आ कंप्यूटर पर एग्जाम आने वाला समय में हो जाएगा तो क्या करना रहेगा, तीन नंबर ऑप्शन के सामने में ऑप्शन जो दे रहेगा तीन नंबर में क्लिक करके सेवन नेक्स्ट करके आगे बढ़ जाएगा, तो कुछ भी, लेकिन हमको आंसर क्या बताना है खोजना रहता है। तो देखते हैं, तो बताइए ये सभी के सभी सरल रेखा से बना हुआ है कि नहीं बना हुआ है। देखिए तो सरल रेखा से बना हुआ है, सरल रेखा से बना हुआ है। तो ये रेखा के आधार पर, लाइन दो तरह के होते हैं, एक सरल रेखा दूसरा वक्र रेखा। तो ऑप्शन एक, ऑप्शन दो और ऑप्शन चार जो है सरल रेखा से बनी हुई आकृति है, तो एक गुण के आधार पर हुआ कि नहीं इसका, और यह वक्र रेखा था तो सभी से विजातीय हुआ, अलग प्रकार का हुआ, इसलिए तीन आंसर हो गया, ठीक है। उसी तरह इसको भी रहता है, समझाइले है कि इन आकृतियों में से एक तथा एक दो तथा चार सीधी रेखाओं से बनी है, सीधी मतलब वह सरल लाइन से बनल है, लेकिन लेकिन आकृति तीन सीधी रेखा से नहीं बनी है, सीधी नानू ना टेट टार से बनल है, मतलब ये सर्कल से बनल है, वर्क रेखा से बनल है, इसीलिए तीन सही है, इसी को चार वर्ग बनाया है, समझा दिया है। तो हम जो बता दिए हैं तो वह बात क्यों नीचे लिखा रहता है, तो इसको बताने की कोई ज़रूरी नहीं। अब देखिए, अब यहाँ देखिएगा, हियाँ तो देखे कि सब के सब सरल रेखा से था, वर्क रेखा से है, तो ये आंसर हुआ। आ हियाँ तो सब जो है दो दो गो आकृति से बना हुआ है,
उसके बाद सबके सब सरल रेखा है, सरल रेखा है, सरल रेखा है, अब कैसे छाटे? तो देखिए बाहर जो है चार आकृति है तो अंदर तीन आकृति है, इसमें बाहर चार गो लाइन है, आकृति बोला गया, बाहर चार गो लाइन है तो अंदर तीन गो लाइन जो है, इस चार गो रेखा के मिलने से बना है तो अंदरों चार गो है। बाहर देखिए एक दो तीन चार पाँच कै गो है, एक दो तीन चार पाँच छः गो है, अंदर चार गो है, उसके बाद यहाँ पाँच गो है तो यहाँ तीन गो है। तो आप एक चीज़ यहाँ आपको दिख रहा होगा कि अंदर बनी हुई आकृति की संख्या और बाहर बनी हुई आकृति की संख्या भिन्न भिन्न है, अलग अलग है, अलग अलग है, अलग अलग है, एक तीन चार में। लेकिन दो नंबर ऑप्शन में देखिए बाहर भी चार लाइन से बना हुआ, अंदर भी चार लाइन से बनी हुई सेम आकृति बना हुआ है, इसीलिए ये सबसे अलग है कि नहीं? तो ये सभी अंदर बाहर अलग अलग आकृति से बना हुआ है और ये समान, ठीक है, इसलिए आंसर हो गया। अब देखिए ये कॉपी दिया हुआ है बेंच डेस्क, तो बताइए बेंच डेस्क से लकड़ी का बना हुआ है और ये सब स्टडी स्कूले का सामान है, लेकिन ये पढ़ने स्टडी में काम किया जाता है, लेकिन ये सब उठने बैठने वस्तु रखने पर प्रयोग किया जाता है। तो ये लकड़ी का फर्नीचर का बना हुआ पदार्थ है, लेकिन ये स्टेशनरी है कि नहीं? ये आपको एक अलग तरीका के दुकान में मिलेगा फर्नीचर बनने वाले में, लेकिन ये स्टेशनरी में मिलेगा, ऐसे भी कह सकते हैं ना, कॉपी किताब के वाला दुकान में मिलेगा या, ठीक है। अब ये देखिए क्या लिख रहा है, उपयुक्त आकृति में दो तीन चार है ये ना, फर्नीचर है कि ना, लकड़ी से बना हुआ चीज़ है, जबकि एक में दी गई आकृति पुस्तक है, पुस्तक है तो ये अलग हुआ कि ना सबसे, मतलब सब जो है फर्नीचर के दुकान में मिलेगा, स्टेशनरी के दुकान में मिलेगा तो अलग है कि नहीं? अतः क्रमांक एक सही उत्तर है और इसके चारों वर्ग बना दिया है, कहे का मतलब कि आंसर हो गया, चलिए इतना नहीं देखना। अब चौथा उदाहरण देखिए, बाल्टी है, ई कप है, गिलास है, नॉन वर्बल है इसलिए पिक्चर से पूछ रहा है, यही वर्बल होता वर्गीकरण तो लिख देता बाल्टी कप गिलास चाकू ऐसे लिखता तब खोजना रहता, तो वर्बल में भाषा रहता है, नॉन वर्बल में पिक्चर है, और पिक्चर से आपको दिमाग लगा के खोजना रहता है कि कैसे जवाब देना है। तो देखिए इस सब में जो है द्रव पदार्थ रखा जाता है कि नहीं, लेकिन इसमें कोई पदार्थ रुकेगा, इस सब में आयतन है, आयतन है, इसमें कोई आयतन है नहीं है। उसके बाद ये सब में वस्तु पानी उनी चाहे कुछ भी भर के, खाने पीने का सामान जो भी है भर के रखने का चीज़ है, लेकिन ये काटने वाला चीज़ है, घरेलू सामान नहीं, सब तो सब घरेलू वस्तु है, बाल्टी कप गिलास सबके सब तो घरेलू है, लेकिन एक गुण देखिए ये सब में है, तरल पदार्थ रखने में प्रयोग करता है घर के वस्तु में, लेकिन काटने में प्रयोग करता है, तो सबसे अलग भी ना, ये तीन गो एगो गुण कहीं ना कहीं प्राप्त कर लिया और उससे अलग है, इसलिए चाकू आंसर हो गया। अगला देखिए, उसी तरह ये बैगन होगा, ये कद्दू होगा, तो ये मिर्चाई होगा, तो ये फूल है, तो बताओ सब जो है पेड़ पौधा का चीज़ है, लेकिन देखिए ये सब्जी के श्रेणी में आता है, लेकिन ये फूल के श्रेणी में आता है कि नहीं? तो ये तीनों एक श्रेणी में है, सबसे भिन्न है, इसलिए इस ऑप्शन का, इस क्वेश्चन का ये आंसर हो गया। वह मैं समझाइले है कि उपरयुक्त आकृति में ऊपर जो आप देख रहे हैं एक दो तीन, एक दो तीन कि वस्तु बैगन चिनिया बादाम, अच्छा ये चिनिया बादाम हो, खाइए वाला हो ना, और शिमला मिर्च है, खाने की वस्तु है, अच्छा देखो खाए पिए की वस्तु है, तथा चार में फूल है जो तीनों से भिन्न है, वह बात लिख के कर दी। अच्छा कदुआ मांगिएगा तो यो ये बादाम कह दिया है, चलिए चिनिया बादाम मानिए, तो खाने पीने का वस्तु है ये, आ न ही कद्दू भी मान के तैयो तो यही ना आंसर, सबसे अलग ही है ना। चलिए अब जो है अभ्यास करने के लिए प्रश्न, उसमें तो आंसर दिया था, अब देखिए आप लोग भी बोलिएगा, साथे साथे बोलिएगा तब ना सीखिएगा, हम ही खाली बोलेंगे कैसे होगा, बताइए। तकिया है, टेबल है, ये सब देखिए, तो बताइए ये तकिया जो होता है ये सब कपड़ा से बना हुआ दिख रहा है ना, और ये बताइए ये सब क्या है? तो आंसर आप कहिएगा तकिया नहीं है सर, ये मेट है, चटाई है, नीचे बिछाने वाला चटाई नहीं होता है, तो देखिए बुना हुआ चटाई है जो प्लास्टिक व्लास्टिक या किसी चीज़ से दरी जिसको कहते हैं, तो ये दरी ये सब बैठने उठने वाला है, ये भी इस पर भी आदमी बैठता है, लेकिन इस जमीन के सतह से ऊपर रहता है, ऊपर रहता है तब आदमी बैठता उठता है चाहे कोई वस्तु रखता है, लेकिन दरी आप जमीन पर बिछाते हैं, तो इस तरीका से सब तो घरेलू वस्तु ना है,
तो अगर इस तरीका से मानिएगा तैयो एक आंसर है, आ नहीं तो इसे लकड़ी से बनल है, तकिया मानिए तो कपड़ा से और दरी मानिए तो अभी जो नियम बताए कि सब ऊपर की तरफ है दरी है, तो कभी कभी ऐसा जान से इस तरह से पिक्चर बनाएगा कि आपको समझे में आएगा कि वो क्या है, लेकिन कॉमन सेंस के बात। अब देखिए, अब यही देखिए, ऐसा पिक्चर दे देगा कि लगेगा कि हो क्या गया अब, तो आपको कॉमन सेंस के इतना बड़ा कद्दू खरीदने जाते होंगे, आम है ये सेब की तरह लग रहा है, ये लग रहा है कि जैसे कदुआ की तरह, लेकिन कदुआ नहीं रहेगा। तो इस तरीका से तो सोचिए, सोच लिए ये कदुआ नहीं है, ये कुछ ना कुछ होगा। तो देखिए, एगो आपको ये दिख रहा है कद्दू की तरह, लेकिन ये समझने में आपको तकलीफ हो रहा है, तो गेस कर लीजिए कि ये फल है, ये फल है, तो यह कोई ना कोई फल है ना होगा, इस तरह के कोई फल होगा बड़ा सा, तो सबसे अलग है, तो कद्दूआ आंसर हो जाएगा। ऐसे सोचिए, आ न तो आप कन्फ्यूज होते रहिए। अगला पर बात करते हैं। अच्छा, ये तो है कि इसमें पता चल गया स्पष्ट कि पक्का भिन्न होगा, सब्जी है सब फल फल है तो पक्का यो फले होगा, लेकिन कोई ऑप्शन रहेगा ऐसा ऑप्शन दे लाएगा कि आपको लगेगा यह आंसर होगा यह आंसर होगा, दो गो में कन्फ्यूजन होगा, तो वैसे क्वेश्चन को कृपया छोड़ कर ही आगे बढ़ जाइए, क्योंकि आप बना दीजिएगा तो आपके लॉजिक से आंसर हो जाएगा तीन, और क्वेश्चन उसके लॉजिक से आंसर एक रहेगा तो आपका तो गलती हो गया, और आपके लॉजिक से आंसर होगा एक तो एक नया प्रकार के लॉजिक से उसके हिसाब से तीन आंसर होगा, तो वैसा जैसे चार गो ऑप्शन में से ना दो गो के तो आप पहचान लिए, लेकिन दो गो पहचानने में कन्फ्यूज कीजिएगा। मान लीजिए यो कोई प्रकार के फल रहता भाई, तो आंसर तो होता चार, तो कभी कभी इस टाइप का आपको क्वेश्चन आएगा तो क्वेश्चन को छोड़ कर निकल जाने हैं भलाई, लेकिन यहाँ क्लियर हो रहा है इसलिए यहाँ पर आंसर बता दीजिए। तो वैसे कन्फ्यूजन हर बार क्लास, देखिए क्लासिफिकेशन जो ऐसा चैप्टर है कि इसमें कन्फ्यूजन कराएगा ही दो ऑप्शन। अब हियाँ तो क्लियर पता चल रहा है कि ये सब यातायात करने वाला तो सब है, लेकिन ये सब पेट्रोल डीजल से चलता है, लेकिन ये जो है आदमी के अपना आदमी वाला मेहनत से चलता है कि ना, ये सब में ऊर्जा लग रहा है, लेकिन इंजन का ऊर्जा है, ये प्राकृतिक आदमी का ऊर्जा है कि ना, उसके हिसाब से आदमी चलाता है मेहनत से, तो इसमें ऊर्जा वेस्ट किसका हो रहा है, इसमें इंजन का पेट्रोल डीजल का ह्रास हो रहा है, यहाँ पे आदमी का ऊर्जा वेस्ट होता है। चलिए, तो इस तरह का सब यातायात के है, लेकिन ये तो क्लियर पता चला, लेकिन कुछ ऐसा टाइप का क्वेश्चन आएगा जिसमें क्लियर पता नहीं चलेगा, ठीक है। अब मान लीजिए ये बैलगाड़ी है, बैलगाड़ी रिक्शा है, देखिए फिर यहाँ आना गया। अब ये सब जो है ये किसी जीव के द्वारा, अब जीव में ये बैल गाय आदमी सब के सब प्राणी ना है, इसका जो है एनर्जी के द्वारा ही चलाया जाता है, लेकिन ये पेट्रोल इंजन के ईंधन के द्वारा चलाया जाता है, तो इस तरीका से तो ईंधन से भी रिलेटिव, तो क्या होगा, इसमें आदमी का ईंधन ज्ञान हो रहा है, इसमें पेट्रोल का ईंधन यूज किया, यहाँ पे पेट्रोल का ईंधन है, तो सबसे भिन्न या ये हुआ, तो ये आंसर हुआ वर्गीकरण में, यहाँ पे सबसे भिन्न कौन है, ये है। तो कभी कभी क्लियर पता चलेगा तो ठीक है, क्लियर नहीं पता चला कन्फ्यूज कराएगा तो वहाँ पे आप उसको छोड़कर ही आगे बढ़ जाइए तो भला ही है आपका। अब देखिए यहाँ पे जैसे, तो यहाँ आपको स्पष्ट है कि ये जो है सब जो फीमेल है, फीमेल है कि ना, सब के सब तो जानवरे है, लेकिन मेल है घोड़ा है, तो ऐसा गाय बकरी और भैंसी वैसी कुछ होगा, तो ये सब जो है फीमेल आपको स्पष्ट पता चल रहा है ये जो है, तो ये बताइए सब है फीमेल आई मेल है, तो ये आंसर हो गया कि नहीं हो गया। अब देखो ये कोई बनैले है तो टिक मार दिया है। अब देखिए यहाँ देखिएगा ये पक्षी है, ये सब तो पक्षी है, अब क्या कीजिएगा, अब तो आप देखिएगा रे सब पक्षी है, लेकिन ध्यान दीजिए ये सब पक्षी पानी में नहीं रहता, ये सब पेड़ पौधा पर रहता है, आई जल में रहने वाली बत्तख है, तो बताइए सबसे पक्षी होते भी अलग है कि नहीं, यह सब उड़ने में एक्सपर्ट रहता है, बेचारा उड़ता नहीं, तनका दर फुदक के खाली उछलता है, पंख भाज लेता है, कह के पंख इसको भी है, तो समझ गया बगला की तरह उड़ के, थोड़े बगला ना समझ लीजिए, बत्तख है, ठीक है। अब देखिए सबके सब तो भाई बजाने वाला है, वाद्य यंत्र है, लेकिन देखिए ये सब है
आपको जो है इस तरह घस घस के बजाने वाला है, आ ये घस घस के नहीं बजाएंगे, घिस घिस के नहीं बजाएंगे, इसको पीटने लगेंगे ढोलक के, है कि ना, पीट पीट के जा रहा, तो ये सबसे अलग हुआ कि नहीं अलग हुआ। अब ये देखो सबके सब सर्कल में है, तीन भुजा से भी बना हुआ है और उसके साथ साथ भी सरल वर्क रेखा भी है, टेढ़ा मेढ़ा रेखा भी है, लेकिन आप ध्यान दीजिए कि सबके सब जाके लाइन पर टच कर रहा है, लाइन पर टच कर रहा है और कटा हुआ है, टच किया तो ये भी लाइन पर टच किया, 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 तो एक बात देखिए, ये पूर्ण रूप से सर्कल बन के कटा हुआ है, कटा हुआ है, कटा हुआ है, और ये कटा हुआ ना, तो इस तरह से स्पष्ट पता चल रहा है तो लिख देंगे। नौ देखिए, अब सब में एक दो तीन चार पाँच छः, तो सब में छः छः गो भुजा है, और एक बात ध्यान रखिए, देखिए ऐसे पिक्चर डायरेक्ट देखिए, देखिए सब का कोण ये बाहर मुँह निकला है तो एंगल बाहर की तरफ है, बाहर की तरफ झुकाव है, तो देखिए एगो एंगल अंदर की तरफ झुकाव है, एहो में एगो अंदर अंदर की तरफ झुकाव है, एहो में एगो अंदर की तरफ झुकाव है एंगल कोण, लेकिन ये में कोई ऐसा एंगल है जो अंदर की तरफ भागा हुआ, सब के सब एंगल बाहर की तरफ है, तो इस हिसाब से इसका आंसर नौ का क्या हो जाएगा, चार हो जाएगा। एंगल का इसमें खेल आया कि सब तो एक जैसा बनल है लेकिन लाइने से बनल है, लेकिन इसमें कौन जो बन रहा है कौन अंदर की तरफ भागा, अंदर की तरफ, अंदर की तरफ, तो ये एक कैटेगरी में आया, और सब का कौन बाहर की तरफ है कि नहीं, इसलिए आंसर चार हो गई। ये देखिए ये समांतर रेखा है, समांतर रेखा है, समांतर रेखा है, लेकिन ये समांतर रेखा नहीं है, इसको डॉट 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 करके आगे बढ़ेगा तो प्रतिच्छेद एक दूसरे के काट देगा, तो ये प्रतिच्छेदी रेखा है, समांतर लाइन पर है ना, पैरेलल लाइन, तो बताइए पैरेलल लाइन के कैटेगरी में है, पैरेलल लाइन के कैटेगरी में नहीं है। अच्छा इहो पैरेलल लाइन दे देता तब क्या होता रे भाई, सोचिए कि इहो पैरेलल दे देता ऐसे ऐसे तब क्या होता, तब हो जाता ये आंसर, सब लाइन पर काट रहा है, लाइन के काटेगा, लाइन के काटेगा मतलब रेखा का, ये देखिए आगे बढ़ेगा तो कोना के काट देता है कि ना, एंगल के काट देता, तो इस हिसाब से, लेकिन अभी पैरेलल है, पैरेलल है, इहो पैरेलल है, लेकिन ये बेचारा पैरेलल नहीं है, प्रतिच्छेदी रेखा है, तिरछा है ना भाई, पैरेलल केकरा कहते हैं जेकर सब जगह दूरी बराबर होगा, एहला ऐसे ऐसे किए हुए, तो समझ गए तीन क्यों होगा। ग्यारह का आप चलते हैं, देखिए अगर हम लोग बात कर ले कि इस तरीका से है, इसमें मिला हुआ है, तो ये सब अलग अलग प्रकार की आकृति है, देखिए इस आकृति को आधा इसे मोड़ने के बाद घुमा दीजिएगा तो इस लाइन पर आ जाएगा, इसको भी घुमा दीजिएगा तो लाइन पर आ जाएगा, आ इसको कैसे घुमाइएगा, नहीं घूमेगा, इसको भी घुमा दीजिए लाइन पर, तो उस हिसाब से सोचिएगा तो आपको आंसर जो है इस सब के अंदर की तरफ फोल्ड कर दीजिएगा तो सब मिल जाएगा, ये तो फोल्ड नहीं हो पाएगा, फोल्ड होगा, तो इस तरीका से करने से बढ़िया है। देखिए जब ये लाइन जैसे आकृति बना हुआ है ना, तो इसके घरों की संख्या गिनिए, कई तरीका से रीजनिंग के सोचना है कि प्रॉपर्टी किस पर भाग रहा है, ठीक है, तो देखो एक दो तीन चार पाँच छः टुकड़ा में बट गया, ये एक दो तीन चार टुकड़ा में बटा, उसके बाद देखिए एक दो तीन चार टुकड़ा, एक दो तीन चार टुकड़ा, तो अगर घर के आकृति की संख्या देख के चलिएगा तो आप मार दीजिएगा एक टिक, यहाँ भी एक टिक मारा हुआ है कि नहीं, लेकिन अगर सरल रेखा और वक्र रेखा के जहाँ तक बात कीजिएगा तो ये सब आकृति में कहीं न कहीं सरल रेखा का वैसा आकृति बंद आकृति है जिसमें कहीं न कहीं सरल रेखा का प्रयोग किया हुआ है, लेकिन जबकि इसमें सरल रेखा का प्रयोग आपको दिख रहा है, तो ऐसा टाइप का आपको कंफ्यूज क्वेश्चन आएगा तो आप उसको छोड़ के भी बढ़ दीजिएगा तो कोई शिकायत नहीं है, न तो यहाँ एक आंसर टिक मारल है, अब इसका दो भी हो सकता है, दो क्यों होगा, समझ गए ना, आप ऐसे देखिएगा कि समान समान भाग बांटने का, तो ये आंसर तो लाइन के हिसाब से चलिएगा सरल ही, तो देखिए इसमें भी सरल लेखा प्रयोग है, इसमें भी सरल लेखा प्रयोग है, इसमें भी सरल लेखा प्रयोग है, लेकिन इसमें कहीं सरल लेखा का प्रयोग है, इसमें तो टेढ़ा मेढ़ा वर्क लेखा है, तो इस तरीका से बंद आकृति भी है, पूरा रूप से परिरूप से बंद है, लेकिन परिरूप से बंद नहीं है, है कि नहीं, ये बंद नहीं है, पूरा इस तरह से बंद नहीं है, तो उस हिसाब से
तो लाइन के हिसाब से तो इस तरह के क्वेश्चन को कृपया छोड़ कर आगे बढ़ जाए। अरे पाँच गो है, उनमें से चार गो बन गया, एगो ऐसा आ रहा है तो उसको छोड़ के आगे बढ़ जाओ। और नहीं तो तुम लिख देगा एक तो वो आंसर देगा दो, और तुम लिख देगा दो तो वो आंसर देगा एक, तो इसी एक दो के बीच में फेंका जाइएगा। और कभी कभी तो उसको मुंड गर्म हो गया तो कहेगा कि सरल है तो सरले से बनल है, वर्क है तो वर्के से बनल है, सरल है तो सरले लाइन से बनल है, लेकिन सरल वर्क दोनों से बनल है, तो ज़्यादा दिमाग लगेगा तो चारों आंसर हो गया है कि नहीं। मतलब जिस लाइन से है उसी लाइन से अंदर बाहर सब आकृति बना हुआ, लेकिन ये भिन्न भिन्न आकृति दोनों से मिल के बना है, तो वैसे सोचिएगा तो ये हो जाएगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन को छोड़कर आगे बढ़ जाए, यही हम नसीहत देंगे। चलिए आ न तो इसका आंसर दो लिखिए, न तो एक लिखिए, आपकी मर्जी। बंद आकृति से बनल है इसे। चलिए तो अब इस पर ज़्यादा चर्चा नहीं करते, फालतू के क्वेश्चन पर चर्चा करना है व्यर्थ, कुछ क्वेश्चन फालतू रहवे करता है, ठीक है। हर एग्जाम में एगो क्वेश्चन फालतू रहेगा, कितनों आप पढ़ के जाइए और मैं आपको कन्फ्यूज करा देगा, और कन्फ्यूज के चक्कर में आप जो है इस अभी कितना एगो क्वेश्चन समझाने में हमारा कितना समय बर्बाद हो गया। उसी तरह आपको परीक्षा में रहेगा, बनाना रहेगा हाली हाली, आप यह में कितना समय बर्बाद कर लीजिएगा। अब आगे आएगा कि आपको क्वेश्चन देखने के लिए भी टाइम नहीं बचेगा पाँच गो। अब जितना देर इतने हम समय दिए उतना देर में तो हम पाँच सात गो बना देते क्वेश्चन, तो इसीलिए बेफालतू के क्वेश्चन को छोड़ कर निकलिए, कुछ नहीं भरिए उसमें ऑप्शन में, छोड़ दीजिए आगे बनाइए। उतना देर में पाँच गो जो बन रहा है से ना बनाएंगे, कंपटीशन का मतलब यही होता है। हम लोग जब नवोदय के बचपन परीक्षा देते थे तो यही गलती करते थे कि बेफालतू के क्वेश्चन में भी समय बर्बाद कर कर होता क्या था उसका परिणाम कि टाइम भी खा जाता था, रिजल्ट भी ना आता था। अब कुछ ना कुछ हम आंसर लिख दिए, अब मान लो कि हम दो लिखते हुआ एक आंसर तो हमारी कहानी खत्म है, एक लिखते हुआ दो आंसर दे रहता था हमारी कहानी खत्म। अब सोचो कि हम ये में से कोई लिख ले रहते हैं, ये में दोनों में से कोई आंसर ना देके ये आंसर देता तो ये कहानी खत्म था। तो लॉजिक का कमी नहीं है, जिसमें स्पष्ट पता चल रहा है उसको लिखिए, न तो दिमाग ज़्यादा नहीं खटाइए, न तो गलती हो जाएगा। वर्गीकरण में यह है कि दिमाग न खटाइए तो बेहतर, तो ओवर नहीं सोचना है। एकदम देखे कि कन्फ्यूजन करे वाला है, क्वेश्चन पता नहीं चला तो उसको छोड़ कर आगे बढ़ जाओ, है कि ना। सौ गो में एक दो गो छूट जाने से आपका रिजल्ट नहीं गड़बड़ाएगा, लेकिन सौ गो में एक दो तीन गो गलती बना देने से रिजल्ट गड़बड़ा सकता है, दो गो बॉक्स छोड़ देने से रिजल्ट नहीं गड़बड़ाएगा, ये बात आप ध्यान रखिए। हम यही कहेंगे, आगे बढ़ते हैं। अब यही क्वेश्चन देख लीजिए बारह, है कि नहीं। इसमें इस तरीका से लाइन बना दिया है, इस तरीका से इसमें फिर बना दिया, तो देखो इसमें आपको स्पष्ट दिख रहा होगा, इसमें तो फेट भी दिले था ना, लेकिन इसमें आपको स्पष्ट दिख रहा है कि सब के सब सरल रेखा से, लेकिन किस रेखा से बना हुआ आकृति है, वर्क रेखा से आकृति है कि नहीं। सब के सब सीधा लाइन से बनल है, लेकिन यह आकृति वर्क लाइन से बनल है। यहाँ सीधा पता चला है तो एक लिख देंगे, कोई तकलीफ ना, यहाँ कन्फ्यूज कराए तो इसको छोड़ देंगे। अब देखो बाहर है सरल रेखा, अंदर है वर्क, बाहर सरल अंदर सरल, बाहर वर्क अंदर सरल, बाहर तो ये तो फिट फिटुआ हो गया सब में अलग अलग टाइप के। तो देखिए बाहर जैसा आकृति है अंदर उसे भिन्न है, बाहर जैसा आकृति है देखो तो सेम आकृति वैसे आ गया कि ना अंदरों, देखो ये अंदर बाहर अलग 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 है, तो पीछे एग्जाम्पल में सिखाए थे ना कि सेम सेम वाला नियम पर, तो इसीलिए दो आंसर हो गया, सब अलग अलग आकृति से बना हुआ अंदर बाहर, लेकिन ही सेम सेम आकृति से। अच्छा नवोदय वाला उसको दिमाग में खटक गया तो कहेगा कि सब एक दूसरे से टच नहीं किया होगा है, आई टच कर ले तो वो आंसर एक दे देगा, तो एकरा फेर में नहीं पड़िएगा, वो आपको कन्फ्यूज कराने के लिए देता है कि अधिकतम सही, क्योंकि हमको एगो के थोड़ा ही छटना था, हमको तीन गो के ना मिला के चलना है, सबको ना एक कैटेगरी मिलाना है, तो उस हिसाब से तो ये नियम पढ़ाए थे, नियम से बन रहा है, तो हाल ही से का दो लिख देंगे। अब देखो सरल रेखा से सरल रेखा से सरल रेखा से ये वर्क रेखा से, तो हाल ही से का तीन आंसर होगी। अब देखो तो मैं सरल वर्क प्रयोग कर ले, लेकिन देखो बउआ एगो ये लाइन का है कमाल, देख लो एगो लाइन के काट के परपेंडिकुलर गया, ये लाइन के काट के परपेंडिकुलर खड़ा है, ये लाइन को परपेंडिकुलर तरीका से काट रहा है, देखो ये लाइन को परपेंडिकुलर से ना काट के कोना सही से काट दिया, यहाँ 90 डिग्री बनाएगा कि नहीं लाइन पर, लेकिन 90 डिग्री ना एंगले के काट दिया, यहाँ एंगल बनाने जाइएगा तो 90 न बन के 30 बन जाएगा, 30 ना बनेगा डिग्री,
अब त्रिकोणमिति ना पढ़े तो इतने समझिए कि ये सीधा लाइन जा रहा था ओकरा काटा, सीधा लाइन जा रहा था उसको काटा, सीधा लाइन जा रहा उसको काटा, लेकिन सीधा लाइन जा रहा था उसको ना काट के कोना को काटा, ये दो गो लाइन के टचिंग पॉइंट को बिंदु को काटा, ये एक गो लाइन के काट रहा था, एक गो लाइन को काट रहा था, एक गो लाइन, तो ये एक कैटेगोरी में ही अलग है, तो ये आंसर होगी। अब देखिए ये इस तरीका से यहाँ पे है रीजनिंग, देखो अंदर बाहर सब में एक जैसा है। अब देखो यहाँ वृत्त अंदर है त्रिभुज, बाहर है चतुर्भुज, अंदर है त्रिभुज बाहर है चतुर्भुज, अंदर है त्रिभुज बाहर है चतुर्भुज, अंदर है त्रिभुज बाहर है चतुर्भुज, लेकिन देखो बउआ ये बाहर सब में तो चतुर्भुज है तो ये तो ठीक है, और त्रिभुज देखो ये लाइन के अंदर है, लाइन के अंदर है, लाइन के अंदर है, लेकिन ये देखो त्रिभुज की जगह दुइये भुज है, ये आयते पर बना दिया है कि ना, इसी पर या त्रिभुज बनाया भी है तो इसका निचला सतह टच करा दिया ना आयत पर, ये त्रिभुज अंदर भर में ना बनल था, ये त्रिभुज बनाया भी होगा तो देखो लाइन पर टच किया, तो इसीलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा चार। अब क्लॉक वाइज एंटी क्लॉक वाइज वाला दिमाग देखिए, ये देखिए घड़ी के दिशा में गोल 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 घूम रहा है ना, घड़ी के दिशा में गोल गोल घूम रहा है, यह देखिए घड़ी के दिशा में घूम रहा है, लेकिन ये उल्टा दिशा में नच रहा है इसे, तो बताइए सभी के सभी एक दो और चार घड़ी के दिशा में घूम रहा है, जबकि ये तीन जो है घड़ी के विपरीत दिशा में घूम रहा है, इसलिए आंसर क्या होगा तीन होगा। अब देखते हैं ये क्वेश्चन, तो इसमें सब में तो वर्गे है वर्गे है वर्गे है, चार चतुर्भुज है, लेकिन देखिए ये घड़ी की दिशा में जा रहा है, इसके पीछे ये बढ़ रहा है, फिर इसके पीछे ये बढ़ रहा है, तो घड़ी की दिशा में भाग रहा है ना, देखिए घड़ी की दिशा में ये भी लाइन से चल रहा है, देखिए ये भी इस तरीका से घड़ी की दिशा में चल रहा है, लेकिन ये देखिए घड़ी की दिशा में जा रहा है, ये भी जा रहा है, लेकिन ये जा नहीं रहा है, ये आ रहा है उल्टा आ रहा है, ये दोनों आके टकरा ना जाएगा एक दूसरे में, तो बताइए सब जा रहा था घड़ी की दिशा में ठीक ठाक बढ़ाए थे, लेकिन ये बढ़ रहा था यो बढ़ रहा था, लेकिन ये इन्ने न जाके देखो तो उल्टा आ रहा है ना, तो सबसे भिन्न है, इसलिए चार आंसर। अभी सब देखने में एक जैसा, लेकिन देखो एगो लाइन पर सब इस तरीका से है, एगो लाइन पर ऐसा ऐसा आकृति बना हुआ सटा हुआ, लेकिन ये देखिए तो सबसे अलग है कि ना, एकरा नचाइएगा तो एक दूसरे से मिल जाएगा, लेकिन ये नहीं मिलेगा, तो आंसर हो गया तीन। अब देखो इसका एगो मुड़ी बाहर है पेट अंदर कैले है, मुड़ी बाहर है पेट अंदर कैले है, इसका एगो मुड़ी बाहर है पेट अंदर कैले है, लेकिन देखो एकरा में मुड़िए गायब है, दोनों पेटे बना दिया है, तो आपके लैंग्वेज में समझाने के लिए इस तरीके से बोल दिया है, लेकिन ये समझिए कि एगो उभरा हुआ भाग बाहर है, एगो अंदर की तरफ भाग आया, एगो बाहर है एगो अंदर की तरफ भाग गया, एगो अंदर की तरफ आया है एगो बाहर है, लेकिन इनमें दोनों के दोनों पिक्चर के अंदर की तरफ आकृति भागा है, ठीक है। अब हम लोग इस पर बात कर लेते हैं, तो देखिए ये तो एग्जाम्पल पीछे जो समझाया वह पर आ गया, तो चक्कू का आंसर हो गया समझ गए होंगे, देखिए पीछे एग्जाम्पल में समझाए थे वही क्वेश्चन आया है, फुल कहला आंसर हुआ समझ गए होंगे, पीछे जो एग्जाम्पल में समझाए थे उसी पर ना है क्वेश्चन, रिपीटे कर दिया। चलिए अब देखते हैं, अब देखिए आम सेब पपीता आई गाजर लग रहा है, देखो सबके सब जो है पेड़ पर लटक के फरता है, लेकिन ये जमीन के अंदर फरता है कि नहीं फरता है, रोपाई लता है, मूली हो गया, आलू हो गया, ये हो गया, अलुआ हो गया, ये गाजर जैसे सब जमीन के अंदर रहता है, आई जमीन के बाहर पेड़ पर लटक के फरता है, तो बताइए इस तरीका से ही सबके सब तो फले था, लेकिन ये पौधा के ऊपर लटकता है डाल पर, लेकिन ये जमीन के अंदर रहता है, तो सबसे भिन्न हुआ ना, इसलिए देखो ये सब अब जानवरे है, अब इहो देखो कैसे कन्फ्यूज करा रहा है, अगर एक नियम आप लगाइएगा तो कहिएगा कि अरे ये सबके सब तो शाकाहारी है, चलो कहिएगा कि ये जंगल में रहता है, जंगल में रहता है, आ एक आदमी पालता है, तो एकरो तो पालता है, एकरो तो पालता है कि नहीं, सब पालतू हो सकता है, तो कहिएगा कि सबसे विशाल और सबसे ज़्यादा पानी पीता है, तो बताइए आ इससे कम कम पानी पीता है, तो एकरा अगर पानी कहिएगा तो ऊँट एकरा से कमज़ोर होता है, ऊँट तो महा पानी पीने वाला होता है, एक केदा पी लेता है इतना ना पानी कि फिर एक दो महीना तक पानी पीने का नाम ना लेते हैं, कैटेगोरी देखिएगा तो तालमेल बैठेगा नहीं, तो अब देखेंगे ये सब है बिगेस्ट एनिमल, बड़ा एनिमल, आ देखिए ये स्मॉल एनिमल है कि नहीं है, तो अब देखिए ये कैटेगोरी में सबके सब बिगेस्ट है, बड़ा एनिमल है छोटा एनिमल है, उस हिसाब से आंसर होगी। अब देखिए सबके सब जानवर है, लेकिन देखिए जंगली जानवर है, मांसाहारी जानवर है, शाकाहारी और पालतू जानवर है कि नहीं, तो ये आंसर हो गया सबसे,
देखिए पेट्रोल से चलने वाला है लेकिन ही बैल के ऊर्जा से चलेगा ना, है कि नहीं? तो ये आंसर होगी। तो ईसा ईंधन से चलने वाला है। अब सब के सब तो ईंधने से चले वाला है, लेकिन देखिए सब सफरे वाला है, ईंधने से चलेगा, लेकिन ये रोड पर चलने वाला है और ये वायु में चलने वाला है। वायुयान है, ये रोड यान है, तो ये सब रोड पे दौड़ता है, ये रोड पे न दौड़ के हवा में सैर करता है, तो सबसे भिन्न है। तो ये आंसर उसी तरह ये सब कुछ ना कुछ वस्तु रखने के प्रयोग में आता है, अंदर की तरफ करके आयतने में रहता है, टेबल के सतह पर ना रखते, क्षेत्रफल पर ना रखते, या ये सब गोदरेज है, टेबल है, ये सब जो है लोहा टीना उना के आजकल बन के रहता है, ये लकड़ी के है। तो सिंपल समझिए ना, इसमें आयतन है अंदर, कुछ सामान अंदर की तरफ रखाता है पर बाहर रखाता है क्षेत्रफल ऊपर पर। अब नवोदय की तैयारी कर रहे थे, क्षेत्रफल आयतन तो सब बताइए, तो भिन्न है। देखो अब ये है, ये सब लाइन से बना हुआ है, सीधा रेखा से, टेढ़ा रेखा से, तो ऐसा मॉडल एग्जांपल में समझाए। अब देखो ये इसमें भी एंगल बाहर है, एंगल बाहर है, एंगल बाहर है, अब सब के सब एंगल बाहर है, लेकिन देखो सब के एक झुकाव है ना लाइन की तरफ थोड़ा थोड़ा, लेकिन इसमें झुकाव के साथ साथ एक अलग विशेष प्रकार के रीजनिंग बन गया, इसलिए इसमें ये आंसर हो गया। देखो इसमें एंगल बन रहा है, इसमें तो एंगल लाइनों पर आ गया, ये देखो पैरेलल हो गया, ये भी पैरेलल हो गया, तो इससे पता नहीं चला, सब अलग अलग गुण के हैं, लेकिन देखो इस सरल रेखा से है, सरल रेखा से है, सरल रेखा से है, तो ये क्या है? वर्क रेखा से, तो सरल वर्क में सीधा सोच के बना दिए। अब ये क्वेश्चन को देख लीजिए, अंदर बाहर अलग अलग, अंदर बाहर अलग अलग, अंदर बाहर अलग अलग आकृति से है, लेकिन ये देखिए अंदर बाहर एक जैसा है ना, इसलिए दो आंसर हो जाए। इसमें देखो इसमें एक आयत गायब कर दिया है, तो मान लीजिए कि इसमें एक और आयत रहता है कि नहीं, उस स्थिति में क्या करते आप? देखिए ये जैसा बाहर है वैसा अंदर है, ये अंदर है वह बाहर जो है अलग आकृति है, अंदर जो है अलग आकृति है, इसमें तो इस तरीका से सोचिए, फिर यहाँ सोचिए, फिर यहाँ इस तरह से बाहर अंदर अलग अलग, तो अब तो समस्या आ गया कि अगर सेम आकृति करेंगे तो इसमें तो दिया हुआ नहीं है कि सेम आकृति, लेकिन देखिए सब में एक वर्क रेखा का प्रयोग जरूर किया, लेकिन इसमें कहीं वर्क का चर्चा नहीं, उस हिसाब से एक मारिए, और न तो हम तो कहेंगे कि क्वेश्चन को छोड़ कर निकल जाइए, क्योंकि इसमें भी अलग अलग बाहर रहता तो सब अलग अलग टाइप की आकृति होता और एक जैसा आकृति अंदर बाहर बना तो दोनों आंसर होना चाहिए। तो इस तरह का कन्फ्यूजन क्वेश्चन करो तो छोड़ के आगे बढ़ जाओ, न तो अभी बोले हैं कि सब दुदु रेखा से बनल है, दुदु गो आकृति से, एगो आकृति से, तो आंसर एक लिख के निकल जाए। देखो ऐसा समझाया तुरंत पहले कि सब लाइन पर काट रहा है, ये एंगल पर काट रहा है, दो गो लाइन के मिलने वाला पॉइंट पर काट रहा है, तो इसलिए एक आंसर। देखो सब जो है फुलफिल है, फुलफिल है, लेकिन सब लाइन के टच करके नाच रहा है अंदर त्रिभुज के, लेकिन ये लाइन का टच नहीं किया हुआ, देखो इसलिए ये आंसर हो जाएगा। इसमें देखेगा तो अंदर बाहर अलग 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 है, देखो अंदर बाहर एक जैसा आया कि ना आकृति, इसलिए दो आंसर। देखो इसमें भी अंदर बाहर अलग 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 अलग, लेकिन इसमें एक जैसा है, तो दो आंसर। अब देखो इसमें किसी न किसी प्रकार से सर्कल का प्रयोग हो रहा है, है कि नहीं? 38 में किसी न किसी प्रकार से सर्कल का प्रयोग हो रहा है नच कर, क्योंकि टुकड़ा में करना मुश्किल है, इसमें सर्कल का प्रयोग ना पूरा का पूरा सीधा रेखा से, इसलिए ये आंसर हो गया। तो इस तरीका के क्वेश्चन या तो आप छोड़ दीजिए ना, तो यही एगो उपाय है। अब वो कह देगा कि नहीं सीधा है तो सीधा, ये सरल है तो सरल, ये सीधा है तो इसमें देखो तो सर्कल, इसमें जो है सर्कल है तो सीधा, तो ये तो नियम बैठ ना रहा है, तब हम जान गए कि किसी न किसी फॉर्म में सरल रेखा का ये में प्रयोग है, लेकिन इसमें प्रयोग कहीं नहीं सरल रेखा के, तो आंसर, तो आंसर एक हो गया। अब देखिए ये क्वेश्चन देख लीजिए, देखिए इसको पलटिएगा इसको प्राप्त हो जाएगा, इसको पलटिएगा इसको प्राप्त हो जाएगा, इसको पलटिएगा इसको प्राप्त, लेकिन इसको पलटिएगा तो इसको प्राप्त नहीं होगा, लेकिन इतना पर आंसर सोच के नहीं दे देना है। देखो चार बराबर बराबर भाग में बाँटल है, ये जय भाग में बाँटल है, बराबर बराबर भाग बाँटल है, जय भाग में बाँटा हुआ, बराबर बराबर भाग में बाँटा हुआ, लेकिन ये बराबर बराबर नहीं, लेकिन इस तरह के कन्फ्यूज करेगा,
उसके बाद ये तो अलग अलग कैटेगरी थोड़े बताना होगा आपको, आंसर तभी बताना है जब तीन गो कम से कम एक कैटेगरी में रख दीजिए आ एक गो के सबसे भिन्न खोजिए। तो वैसा करने पर अगर आप सोचिएगा तो देखिए इसमें सीधा रेखा का प्रयोग है, इसमें भी सरल रेखा का प्रयोग है, इसमें भी सरल रेखा का प्रयोग है, लेकिन इसमें कहीं भी सरल रेखा का प्रयोग किया है उस हिसाब से दो, आ यहाँ था कहीं ना कहीं वर्क रेखा का प्रयोग है, इसमें सिर्फ और सिर्फ सरल रेखा है, तो ये आंसर यहाँ देखिए ये में कहीं ना कहीं सब में सरल रेखा है लेकिन ये में कहीं सरल रेखा है सीधा रेखा है नहीं ना, तो दो आंसर देखिए इसके अंदर बनाया है, देख लो त्रिभुज अंदर बना लिया है तीन भुजा से तीन भुजा से तीन भुजा से, लेकिन देखो तो इसके अंदर दुई भुजा है ना, तनी देर पहले भी ऐसा टाइप से छाया इसलिए इसका तीन आंसर सबसे भिन्न है ना। अब देखिए ये कैसा रीजनिंग है रे भाई, चलिए अब सीधा हो गया ना, हाँ इस पर बात कर लेते हैं। देख लो ये सब आपको ईटा उटा लग रहा है ना, ईटा ये कप चाय ये है देखिए, तो ऐसा कंफ्यूज करने के लिए देगा सीरी लग रहा है आपको, लेकिन सीरी ना गन्ना है, अगर कहूँ गन्ना कह दिया तो बताइए सब ईंटा बालू पत्थर से बना रहता है लेकिन गन्ना खाने वाला होगा, तो उस हिसाब से तीन हो जाएगा, उस हिसाब से तीन होगा, लेकिन घबराना नहीं है। अब देखिए मान लीजिए सब बना हुआ है, मान लीजिए ईंटे पत्थर से, और उसके बाद जो है ये सब जो है घर बनाने में काम आता है, घर बनाने में काम आता है, पत्थर घर बनाने में काम आता है, तो सीढ़ी है तो घर में रहता है, लेकिन बताइए ची तो चाय पीने में तरल पदार्थ रख के पीने में काम आता है, तो उस हिसाब से ही हो जाएगा। तो आपको मानसिकता से समझना पड़ता है कि करना क्या है, तो अगर आप एगो गन्ना ले कर चलिएगा तो इसे थोड़ा होता है, तो उस हिसाब से चलिएगा तो तीन आंसर तीन कर रहा है दो आंसर और न ही तो कहीं खाने पीने पदार्थ का गन्ना कर रहता तो और स्पष्ट बने ले रहता तो ये आंसर होता, आई कहूँ लड्डू कह देता तो ये सब हो जाता, देखिए ईटा पत्थर का बना रहता है आइए क्या हो जाता लड्डू खाने वाला है, तो ये सब सोचना है, तो इस हिसाब से देखिए ये सब घर बनाने में प्रयोग आता है, आइए जो है घर के अंदर किचन सजाने में पीने में चाय में प्रयोग आता है, तो दो आंसर। अब यहाँ देखिएगा तो ये सब के सब पक्षी है लेकिन ये जानवर है, चूहा छोटा मोटा जानवर है ना, तो ये आंसर हो गया, या ये सब उड़ सकता है लेकिन ये चूहा चाहे जो भी होगा बेचारा बैठा हुआ ये उड़ नहीं सकता है, तो ये आंसर देखिए ये सब हथौड़ी काटी ये सब के सब जो है लोहा पत्थर के समान है कि नहीं, लेकिन ये दरवाजा घर के वस्तु है। अच्छा ये दरवाजा में ये कील को ठोकने के या ठोकने का प्रयोग करता है, कहने का मतलब ये सब लोहा का बना रहता है लेकिन ये दरवाजा लकड़ी के भी बना हो सकता है, काठी लकड़ी के नहीं ना बनाएगा, लोहा पीटने वाला लकड़ी के नहीं ना, या एकरा से के कहिए कि ये औजार के प्रयोग है, ये सब औजार औजार वाला वस्तु है लेकिन ये औजार नहीं है ये घर का दरवाजा है, तो सबसे अलग हुआ कि नहीं, तो ये आंसर। सब तो फूले हैं रे भाई लेकिन ये फूल सा जो है दलदल में नहीं फरता है, सूखा रहता है बाहर फरता है फूल, लेकिन ये बताओ कीचड़ में रहता है, तो ये एक अलग तरीका का फूल हुआ। देखो ये सब युद्ध लड़े वाला है लेकिन ये युद्ध लड़े वाला ना है, गन्ना खाए वाला होते, तो आपको समझना पड़ेगा कि गन्ने है कि ना, जैसे यहाँ देखो कन्फ्यूज कराने के लिए कैसे था। अब देखो ये सब चार लाइन से बनल है या तीन गो लाइन से बनल है, तो आंसर कौन होते है? एक ये सब देखो पीट पीट के बजाएगा, ये हाथे से बजाएगा, हाथे से बजाएगा है कि ना है, लेकिन ये देखिए तो ये हाथे से बजाएगा, ये में या तो एक पीछे बोलिए तो बजेगा, तो इसमें सिर्फ हाथ का प्रयोग था, इसमें बोलने का प्रयोग है कि नहीं, ठीक है, या ये इलेक्ट्रिसिटी के माध्यम से पहुंच के जाता है, यहाँ जो है मैकेनिकल प्रयोग होता है हाथे वाला, तो सब एक कैटेगरी में भी नहीं है, इसलिए कर आंसर चार। अब यहाँ ये देखिए इस रीजनिंग में देखिएगा सब तो है चलही वाला, लेकिन देख तो ऐसे तो कह भाई, अब यहाँ तो कह भाई कि सब चलता है तो सब के आदमी चलाता है, आदमी चलाता है, आदमी चलाता है, पेट्रोल से चलता है, तो ई मार देगा एक आंसर 48 के, तो हो जाएगा तुम्हारा गलती। कब होता है ई? जब सब के सब रोडे वाला गाड़ी रहता है कि ना,
तो देखिए सब के सब धरती पर चलता है, रोड पर चलता है, लेकिन यह रोड पर नहीं चल सकता है। तो उस हिसाब से आपका आंसर क्या हो जाएगा? 3। कहा है कि आजकल के जो नाव देता है ना, आप कैसे कह दिए कि मैकेनिकले चलेगा, एक जनरेटर लगे रहता है चाहे इंजन लगे रहता है, पटना गंगा जी में घूमे हुए चाहे कहीं तो ना देखते हैं जनरेटरवा चला देता है बस, ये अपने आप भागने लगता है, भागता है कि नहीं। तो इस तरीका से दूगो हो जाएगा इंजन से चलने वाला ईंधन से, आ ये दूगो हो जाएगा मैकेनिक, तो दूगो के संबंध थोड़ा बैठाना है, हमारा तो तीन गो के कटोरी बनना था। तो ये बताइए रोड छोड़ के भागेगा, रोड छोड़ के भागेगा, रोड छोड़ के रोडे पर ना चलेगा भाई, लेकिन ये पानी में चलेगा, तो ये अलग कैटेगरी है, इसलिए 3 आंसर। यहाँ देखिए इसमें कोई एक के भाग को कलर किया हुआ है, लेकिन ये दोनों भाग के कलर कर दिया, तो इसलिए आंसर 3 हो जाएगा। अब देखिए ये बल्ब है, स्विच है, प्लग है, बाल्टी है, देखो इलेक्ट्रिसिटी सामान है, वस्तु है। आई बताइए घरेलू सामान तो सब था, लेकिन ये पानी भरने के काम में घरेलू आता है किचन में, आई इलेक्ट्रिसिटी है, इलेक्ट्रिसिटी में यूज ना होता है, तो एक आंसर 4 हो गया। इस शरीर के अंग के नाम है, लेकिन देखो ये गर्दन के ऊपर वाला में रहता है, कान दांत नाक सब, लेकिन बताओ हाथ गर्दन के ऊपर नहीं ना है, अलग है, इसलिए एक आंसर। इस सब के सब फल है, ये जो है लड्डू होगा, तो करिए आंसर, ठीक है। तो 52 के हो गया 2, आ ना अगर कहो सब के सब फले हो गए, सबके सब अगर फल हो गया, मान लीजिए कि नाशपाती होती शरीफा वाला ना रहता है खाने वाला, तो उस हिसाब से सोचिएगा, तो देख लीजिए क्या कीजिएगा कि सब तो फले है, लेकिन ये फल भी है, एक सब्जी भी आदमी बना देता है काट के टक 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 के ला के, ठीक है। तो ये हिसाब से 3 आंसर हो। तो कभी कभी इस टाइप का क्वेश्चन आपको छोड़ के निकलने में ही भलाई है, ठीक है, 2 भी हो सकता था, क्लियर पता नहीं चल रहा है। यह ला ना एक नॉन वर्बल कि आपका तर्क शक्ति दिमाग क्या कहता है। अब ये देखिए ये हाथ पैर आँख अंग, तो ये सब के सब शरीर के अंग है, लेकिन शरीर का अंग नहीं है, बाहरी चीज़ है ना, तो इसलिए 4 आंसर हो गया। सब तो जानवर है रे भाई, लेकिन देखो सब के सब पालतू जानवर है, सब के सब पालतू जानवर है, पालतू जानवर कहाँ गया, सब के सब है जंगली जानवर है, ये आई पालतू ये जानवर कहिए, ठीक है बोले थे, ये जंगली जानवर नहीं है, तो ये सब पालतू जानवर है, ये जंगली जानवर है डोमेस्टिक, तो समझ गया सब। तो इसका आंसर क्या होगा, या यो कह सकते हैं कि ये सब के सब शाकाहारी जानवर है, ये गो कथी है मांसाहारी जानवर। आप सोचिएगा कि सर मेल फेमेल के हिसाब से बताइए, मेल है, मेल है कि ना, और यो मेल है फीमेल है, तो ये आंसर होगा। तो ऐसा ना सोचना, कन्फ्यूज कराने के लिए देता है, सीधा पकड़िए, अगर ई रूल से नहीं पकड़ाता तो मेल फीमेल से पकड़ते, सब के सब मेले दे रहता तो मेल फीमेल से पकड़ लेते, सब के सब जंगली ये दे लेते तो मेल फीमेल से पकड़ लेते, बड़ा छोटा से पकड़ लेते, लेकिन यहाँ जंगली या पालतू आ रहा है कि मांसाहारी या शाकाहारी है, तो यह हिसाब से यह ना आंसर हो जाएगा, जंगली खतरनाक। देखो ये मंदिर हो, मस्जिद हो, ईसा मसीह वाला चर्च हो, तो इस सब में आदमी पूजा प्रार्थना मन के शांति ले जाता है, यहाँ शरीर के शांति ले जाता है, हॉस्पिटल में जो है चोट उट लग लाता है तो ठीक कर देता है, डॉक्टर इलाज करता है कि ना, तो यहाँ दिमाग के इलाज होता है, भगवान से प्रार्थना करता है, यहाँ बीमारी ठीक होता है, ठीक है। तो पूजा करने में प्रयोग आता है, लेकिन ही इलाज कराने में, तो आंसर कौन होगा सबसे भेद 2, तो आंसर 2 होगा। अब देख लीजिए उसी तरह 56 है, देखिए फल है फल है फल है, आपको ना लग रहा है कि बहुत सारा लड्डू चढ़ावे जा रहा है, तो ये जो है मिठाई के समान हो गया, तो आंसर 2 हो गया। देखो ये सब पैर में पड़ेगा, पहनेगा जूता चप्पल, ये दरी वाला जो पहले लकड़ी वाला जो था, एक क्या नाम है खराब के कुछ कहते हैं ना, तो ये पैर में पहनने वाला है सब, लेकिन तौलिया पैर में नहीं ना पहनेगा, देह हाथ पोछेगा लपटेगा शरीर में, हाँ गमछा होगा तो कंधा पर रखेगा, मुरेठा बांधेगा, तो इसके काम में है पैर में, लेकिन तो नहीं पहनेगा। चलिए अब तो इसका 3 आंसर क्या हुआ समझिएगा, ये देखिए सब के सब तो प्रकाश फैलाने का पदार्थ है, घरेलू है, लेकिन देखिए
ये रासायनिक पदार्थ फैलाएगा, तेल जरा जरा के, तेल जरा जरा के, तेल जरा के तब रासायनिक अभिक्रिया कर, लेकिन ये विद्युतीय अभिक्रिया करे, इलेक्ट्रिसिटी ऊर्जा को खाएगा। ये रासायनिक अभिक्रिया किया है, बिजली वाला विद्युतीकरण है कि ना करंट वाला, आंसर हो गया कथी तीन, या बेस खाएगा, चार्ज खाएगा। आ ये जो है रासायनिक अभिक्रिया किया, तेल के खत्म करेगा, उड़ा देगा। चलो तो आंसर इसका तीन क्यों हुआ समझ गया। और बचल है का, लगता रहा है कि दो तीन गो बचल। अच्छा रोटेट करते हैं, टेंशन कला लेता है। देखो 59 का क्या होगा आंसर, तो देखो ये सब सब्जी 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 है, फल है कि ना, छठ पर्व में प्रयोग किया जाता है। आए तो 59 के हो गया चार, या सब के सब है नॉर्मल, लेकिन सबसे ठंडा पदार्थ है, तो इसे ना चलना है। देख लो इस सब तो है भाई कैटेगरी से, आप कहिएगा कि पक्षी है, हिरन है, और ये बत्तख है, ये है। तो देखिए सब ई कैटेगरी पक्षी है, पक्षी है, पक्षी है, आई जानवर है, तो इसका आंसर दो हो गया। लेकिन अगर यो पक्षी रहता तो ये कहते कि सब बाहरी पक्षी है, ये जो है बेचारा पानी वाला पक्षी, तो आंसर तीन हुआ था पीछे जो क्वेश्चन समझाए थे। या देखिए यो पक्षी बिन पानी वाला रहता, सब जनरल पक्षी रहता उड़ने वाला, तो कहते कि सब दिन में देखे पक्षी, आ ये जो है गोमुआ, समझ गए ना, ओ डब्ल्यू एल, ये जो है एकरा उल्टा देखता है, दिन में ना दिखता है, रात में देखता है। तो कब ऐसा नियम लगाते, जब सब के सब पक्षी रहता तब ना, लेकिन हियाँ तो ये तीन गो पक्षी है आ एगो जानवर है, तो ये अलग कैटेगरी हुआ कि नहीं हुआ, सबसे अलग कैटेगरी हुआ। तो इसका आंसर दो क्यों हुआ, आ सब पक्षी रहता तो ई वाला आंसर हो जाता, आ ओकरा बाद सब डायरेक्ट पक्षी रहता ई बत्तख रहता तो ई आंसर होता, क्योंकि पानी में पिछला नियम समझाए थे। तो इस तरीके से आपका वर्गीकरण समाप्त हुआ, वर्गीकरण का ये आंसर है, ठीक है। तो आज वर्गीकरण समाप्त हुआ, धन्यवाद। अगला वीडियो जो है समानाकृति, ये भी आएगा, वीडियो देखने के लिए फिर से धन्यवाद।